यूपी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान यमुना नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 को सुरक्षित बचा लिया गया। महोबा में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 युवकों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यूपी के कौशाम्बी में विजयादशमी के मौके पर कुप्पी युद्ध का आयोजन किया गया। 238 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में राम और रावण की सेना के बीच प्लास्टिक की कुप्पी से युद्ध होता है। दोनों ओर से 20-20 योद्धा हिस्सा लेते हैं। कुप्पी युद्ध को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। विजयादशमी के मौके पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकली। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार यात्रा में शामिल हुए। मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद रामलीला मैदान पहुंचकर सीएम योगी ने भगवान राम का तिलक किया। देशभर में विजयादशमी के मौके पर मां दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जित किया गया, लेकिन वाराणसी में मां दुर्गा की एक ऐसी मूर्ति है जिसका पिछले 248 वर्षों से विसर्जन नहीं करने का दावा किया जा रहा है। मान्यता है कि परिवार के मुखिया को मां दुर्गा ने सपनों में आकर विसर्जित नहीं किए जाने की इच्छा जताई थी और तभी से मां दुर्गा की ये मूर्ति इस परिवार के घर पर विराजमान है। यूपी के शामली से इंसानियत को झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आई है। पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार खुद ही कांवड़ यात्रा के दौरान लापता बेटी की तलाश में निकला। अंधे पिता को लेकर उसकी 2 बेटियां बुग्गी में हरिद्वार पहुंची, जहां उनका घोड़ा भी चोरी हो गया, जिसके बाद बेटियों ने बारी बारी से बुग्गी खींची और पिता को लेकर शामली पहुंची। जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए पहल की। लुधियाना में पुलिस ने बब्बर खालसा के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से 3 पिस्तौल और 33 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए 3 आतंकी अमृतसर के रहने वाले हैं। ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बादल सरकार में मंत्री और एसजीपीसी के सदस्य सुच्चा सिंह लंगा ने प्रेस रिलीज करने के बावजूद रेप के केस में सरेंडर नहीं किया है। विजयादशमी की छुट्टी के बावजूद गुरदासपुर के जिला कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस और मीडिया के लोग उनका इंतजार करते रहे। अकाली दल के समर्थक भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की ओर से जारी समन को लेकर पटियाला में एसजीपीसी की अंतरिम कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसजीपीसी के अध्यक्ष को जारी समन के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और इसे खारिज कर दिया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि एसजीपीसी का कोई सदस्य कमीशन के सामने पेश नहीं होगा। एसजीपीसी ने कांग्रेस सरकार पर सिख संस्थाओं को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में एक जीप भाखड़ा नहर में डूब गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पूरा परिवार रिश्तेदार की शादी में शामिल होने घर से निकला था। शादी में नहीं पहुंचने पर रिश्तेदारों ने उनकी तलाश शुरू की, जिसके बाद हादसे के बारे में जानकारी मिली। अमृतसर में पुलिस ने एक महिला की मौत की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है और हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 21 नवंबर 2016 से लापता 80 साल की महिला की खोपड़ी नहर के पास एक गड्ढे से मिली, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पता चला कि महिला के 2 किरायेदारों ने लूट के इरादे से उसकी हत्या की थी।